वेलकम टू अलजारा मैकेनिकल। आज दोस्तों हम ये पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग सीखेंगे कि ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको कैसे फेब्रिकेशन होगा। हमारे पास 2 से 30 इंच डाय का ये ड्राइंग है। ये लाइन नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये सब इसमें जो फ्लो डायरेक्शन होगा ये सब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लेकिन हम यहाँ से ये टैंक में यहाँ पे कनेक्ट होगा। यहाँ से हम स्टडी करते हैं ड्राइंग को। यहाँ से साउथ जा रहा है। साउथ जाने के बाद यहाँ से एक ब्रांच निकला हुआ है जो ईस्ट जाएगा। यहाँ पे 30x3 इंच का वेल्ड आउटलेट है। ईस्ट जाने के बाद अप हो जाएगा। यहाँ पे एक वेल्डिंग फ्लांज है, एक गेट वाल्व है, और यहाँ पे जो दिख रहे हैं ST सपोर्ट नंबर है। यहाँ पे टूरियन सपोर्ट आएगा जो भी एल्बो के अंदर, यहाँ पे एल्बो पे इसको नोज को कट करके एल्बो का रेडियस में यहाँ पे वेल्ड होगा। यहाँ पे सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है, एड सपोर्ट नंबर आप उसके ड्राइंग में देखेंगे। ये सब ड्राइंग नंबर है, ये सपोर्ट का ड्राइंग में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे किस टाइप का सपोर्ट आएगा वहाँ। उसके बाद ये साउथ जा रहा है। यहाँ पे भी एक ब्रांच लगा हुआ है, लेकिन इस एल्बो में यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक ही एल्बो में यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे गेट वाल्व है, यहाँ पे एक रोलिंग है, ये वर्टिकल रोलिंग है। ये भी एल्बो 45 का होगा, ये भी 45 का होगा। टोटल पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 6 डायरेक्शन होता है और रोलिंग 2 टाइप का होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोलिंग। यानी कि ईस्ट नॉर्थ के बीच में अगर कोई लाइन जाएगा तो उसे हम रोलिंग कहते हैं, या अप या नॉर्थ के बीच में अगर कोई लाइन जाएगा तो उसे हम रोलिंग करते हैं, या साउथ वेस्ट के बीच में अगर कोई लाइन जाएगा तो हम उसे रोलिंग करते हैं। देखते हैं रोलिंग कैसा है और कहाँ जा रहा है। अगर इस लाइन को देखिए, अगर इधर से हम स्टडी करते आ रहा है, ये इसका रिफरेंस लाइन यही है, ये साउथ जा रहा है 965 साउथ जा रहा है। उसके बाद ये अप जाएगा। अप में जाने के यानी कि अप जा रहा है तो ये इस लाइन से मैच कर रहा है, अप वाला लाइन से मैच कर रहा है, इसलिए ये लाइन अप में है, अप जाएगा। ये वर्टिकल रोलिंग इसे कहते हैं। ये एल्बो भी 45 का है, ये एल्बो भी 45 का है, और ये जो डैट डैट्स दिख रहा है आपको, इसका मतलब सपोर्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट ड्राइंग नंबर है, यहाँ पे सपोर्ट ड्राइंग नंबर है, ये S10 S11 ये दोनों मतलब सपोर्ट ड्राइंग नंबर है। इसमें देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस टाइप का यहाँ पे सपोर्ट आएगा। यहाँ से इस एल्बो सेंटर से ये सपोर्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, साउथ आया। और यहाँ पे भी एक ये हॉरिजेंटल रोलिंग है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये जो लाइन है वर्टिकल की तरफ मैच कर रहा है, और ये जो लाइन है देखिए साउथ आया। साउथ आने के बाद ये फिर वेस्ट चला गया। देखिए अगर हम ये वेस्ट लाइन से ये मैच हो रहा है, ये वेस्ट लाइन से मैच हो रहा है, वेस्ट चला गया। ये भी 45 डिग्री का रोलिंग है, ये भी 45 है का डिग्री का एल्बो लगेगा, ये भी 45 का एल्बो लगेगा। यहाँ से इसका लेंथ दिया हुआ है, ये डायरेक्ट सेंटर से सेंटर लेंथ दिया हुआ है। अगर इस पाइप को आपको कट करना है तो एल्बो सेंटर जो है आपको माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ये डिस्टेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे गेट वाल्व है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का कुछ आइटम लगेगा। ये यहाँ पे भी एक रोलिंग है वर्टिकल रोलिंग, लेकिन ये 30 डिग्री में रोल होगा, या होल रोल कर सकते हैं आप। उसके बाद में ये देखिए ईस्ट फर्स्ट, यहाँ से हम देखें तो ये लाइन ईस्ट जा रहा है। ईस्ट में जाने के बाद फिर अप हो रहा है। ईस्ट में 1m 989 mm जाएगा, उसके बाद अप में 1m 148 mm जाएगा। यहाँ पे जो जो डेड डेट दिख रहा है दूसरे ड्राइंग, यहाँ का जो आगे जो आने वाला लाइन है वो अनदर ड्राइंग में है। यहाँ पे 30 डिग्री का एल्बो लगेगा। 30 डिग्री का एल्बो क्यों लगेगा कि ये यहाँ पे जो ये फ्लांज का होल है, या ये जो ये एल्बो है हम 30 डिग्री में रोल किए, इसीलिए यहाँ पे 30 डिग्री का एल्बो आएगा, ताकि सेम पार्लर या सेम एलिवेशन में जाने के लिए यहाँ पे ये 30 डिग्री का एल्बो लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अनदर जो ड्राइंग आएगा उसका नंबर है, ये वेस्टिंग साउथ ईस्टिंग है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, वॉच माय वीडियो। थैंक यू सो मच।